हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये जो टॉपिक है वो आईपीआर का रिमेनिंग टॉपिक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जो यूनिट है उसका रिमेनिंग टॉपिक है। तो आज हम जौहरी विंडो के बारे में पढ़ेंगे। जौहरी विंडो क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बताया। जौहरी विंडो का हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ जौहरी विंडो, जौहरी विंडो क्या है। दूसरा, इसके फाउंडर्स कौन कौन से हैं, किस किस ने इसे खोजा है। थर्ड आएगी फॉर्मेशन ऑफ नेम, इसके नेम का फॉर्मेशन किसने किया है। इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडल, इस मॉडल से हमें क्या प्रोत्साहन मिलता है। द नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ जौहरी विंडो, जौहरी विंडो का यूज़ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट मॉडल रिप्रेजेंट, ये मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है एरियाज़ ऑफ मॉडल, कौन कौन से एरियाज़ हैं। और देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है, वो आएगा ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडल, मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जौहरी विंडो के बारे में। जौहरी विंडो जो होता है ये मॉडल एक सिंपल और यूज़फुल टूल है जो कि इलुस्ट्रेट एंड इम्प्रूव करता है सेल्फ अवेयरनेस को एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जनरेट करता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। तो हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। द जौहरी विंडो मॉडल इज़ अ सिंपल एंड यूजफुल टूल फॉर इलस्ट्रेटिंग एंड इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप, इंडिविजुअल के साथ या फिर किसी ग्रुप के अंदर। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी बनाता है और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है वो है द जौहरी विंडो मॉडल कैन ऑल्सो बी यूज टू असेस एंड इम्प्रूव अ ग्रुप रिलेशनशिप। नेक्स्ट आएगा फाउंडर्स, फाउंडर्स किसने खोजा था इसको। तो द जौहरी विंडो मॉडल वाज डिवाइज्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगहम इन 1955 व्हाइल रिसर्चिंग ग्रुप डायनेमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स। सेकेंड पॉइंट जो आएगा, द मॉडल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग ऑफ द वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी इन ग्रुप डेवलपमेंट बाई UCLA एक्सटेंशन ऑफिस इन 1955 एंड वॉज लेटर एक्सपेंडेड बाई जोसेफ लुफ्ट। फॉर्मेशन ऑफ नेम, नेम का फॉर्मेशन किसने किया था, वो आएगा लुफ्ट एंड इंगहम कॉल्ड देयर जौहरी विंडो मॉडल, जौहरी आफ्टर कंबाइनिंग देयर फर्स्ट नेम जॉय एंड हैरी। इन अर्ली पब्लिकेशंस द वर्ड अपियर एज जौहरी। इन्फ्लुएंस क्या है, टुडे द जौहरी विंडो मॉडल इज स्पेशली रिलिवेंट ड्यू टू मॉडर्न एम्फेसिस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियर, एम्पैथी, कॉपरेशन, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट एंड इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, ये सारे इसके इन्फ्लुएंस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ ऑफ जौहरी मॉडल, द जौहरी विंडो सून बिकम अ वाइडली यूज मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड जो कि अंडरस्टैंडिंग, ट्रेनिंग और सेल्फ अवेयरनेस को बताता है, पर्सनल डेवलपमेंट करता है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और ग्रुप डायनेमिक्स एंड टीम डेवलपमेंट एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप को भी मेंटेन करता है। व्हाट एक्चुअली मॉडल रिप्रेजेंट, वास्तविकता में ये मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उस पर आते हैं अपन। द जौहरी विंडो मॉडल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ डिस्क्लोजर या फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड बाई सम पीपल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट है वो द जौहरी विंडो एक्चुअल रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, एक्सपीरियंस, व्यूज, एटीट्यूड, स्किल, इंटेंशन, मोटिवेशन एक्सेट्रा विद इन और अबाउट अ पर्सन इन रिलेशन टू देयर ग्रुप फॉर फोर प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट आता है एरियाज ऑफ मॉडल, द फोर जौहरी विंडो प्रस्पेक्टिव आर कॉल्ड रिलीजन, कॉल्ड रीजन्स और एरियाज और क्वाड्रेंट्स। ईच ऑफ दीज रीजन्स कंटेन अ रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, जितने भी जो रीजन्स हैं उनके अंदर, सबके अंदर हर क्वाड्रेंट में इंफॉर्मेशन्स होती है
जैसे कि फीलिंग, मोटिवेशन एक्सेट्रा. नोन अबाउट द पर्सन इन टर्म्स ऑफ वेदर द इंफॉर्मेशन इज नोन और अननोन बाय द पर्सन एंड वेदर द इंफॉर्मेशन इज नोन एंड अननोन बाय द अदर इन द ग्रुप. इन्फॉर्मेशन के बारे में व्यक्ति को पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, या ग्रुप को पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. तो ये ईच जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो है, तो व्हाट इज़ नोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ एंड इज़ आल्सो नोन बाय अदर्स. मतलब पहला जो मॉडल है, पहला जो क्वाड्रेंट है, उसके अंदर पर्सन खुद के बारे में कितना जानता है, क्या जानता है, और दूसरे लोग उस पर्सन के बारे में कितना जानते हैं, ओपन अदर्स लाइक, ये सब इसके अंदर बताया जाता है. जैसे कि ओपन एरिया, ओपन सेल्फ, फ्री एरिया, फ्री सेल्फ और दी अर्निया. सेकंड जो पॉइंट आता है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, व्हाट इज़ अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ बट विच अदर्स नो. कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पर्सन खुद नहीं जानता लेकिन लोग उसके बारे में जानते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड सेल्फ एंड ब्लाइंड स्पॉट के बारे में. थर्ड जो क्वाड्रेंट आएगा वो आएगा व्हाट इज़ द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ अदर्स डू नॉट नो. मतलब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है या ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो पर्सन खुद के बारे में जानता है लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते हैं, उसको वो हिडन रखता है लोगों से. हिडन एरिया, हिडन सेल्फ, अवॉइडेड एरिया, अवॉइडेड सेल्फ एंड फेस कैट. सॉरी, फोर्थ जो आएगा वो आएगा व्हाट इज़ अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ एंड इज़ आल्सो अननोन बाय अदर. ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन या जगह है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो पर्सन खुद भी नहीं जानता और लोग भी उसके बारे में नहीं जानते हैं, जैसे कि अननोन एरिया या अननोन सेल्फ. ये चार क्वाड्रेंट्स हैं. सेल्फ, पर्सन खुद के बारे में कितना जानता है, क्या जानता है और लोग उसके बारे में कितना जानते हैं, ये आता है. सेकंड आएगा नॉट नोन टू सेल्फ, ये आएगा ब्लाइंड के अंदर. ब्लाइंड के अंदर क्या होगा कि पर्सन खुद के बारे में नहीं जानता लेकिन लोग उसके बारे में बहुत चीज़ों के बारे में जानते हैं. नेक्स्ट आएगा हिडन. हिडन जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसके अंदर आएगा नॉट नोन टू अदर. मतलब ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति किसी से हिडन करके रखता है, छुपा के रखता है, मतलब वो खुद उसके बारे में जानता है लेकिन लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, उस चीज़ के बारे में, उस बात के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसको हिडन रखता है. चाहे कोई इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई एरिया है, चाहे कोई भी आइडिया है. नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट आएगा वो आएगा अननोन क्वाड्रेंट. अननोन क्वाड्रेंट के अंदर नॉट नोन टू सेल्फ, ना तो खुद को पता होता है और ना ही किसी और को, कलीग्स, फ्रेंड्स या जो साथ में रहता है या जो दूसरे लोग हैं उनको भी नहीं पता है. सबसे पहला जो क्वाड्रेंट आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे जौहरी रीज़न इज़ आल्सो नोन एज द एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी. ये ऐसा एरिया है जिसके अंदर फ्री एक्टिविटी होती है. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन. इसके अंदर व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बिहेवियर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, फीलिंग्स कैसी है उसकी, इमोशंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल एंड उसके व्यूज़ क्या क्या है एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें दैट नोन बाय द पर्सन, जिसके बारे में व्यक्ति खुद जानता है, एंड नोन बाय द ग्रुप, और दूसरे लोग भी उसके बारे में जानते हैं. तो ये आ जाएगा ओपन के अंदर. नेक्स्ट जो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट जो है ब्लाइंड वाला, जिसके अंदर द जौहरी रीज़न इज़ व्हाट इज़ नोन अबाउट अ पर्सन बाय अदर्स इन अ ग्रुप. जिसके बारे में वो नहीं जानता लेकिन दूसरे लोगों को वो बात पता होती है, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि ब्लाइंड के अंदर. थर्ड जो आएगा वो आएगा What is known to ourselves but kept hidden from. मतलब व्यक्ति है जो खुद की कोई इंफॉर्मेशन या खुद की कोई आइडियाज़ है या खुद का कोई एरिया है
उसको लोगों से हिडन रखता है, मतलब उसको पर्सन को खुद को पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसने छुपाई है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि वो क्या बात छुपा रहा है, कौन सी चीज़ के बारे में उनको नहीं पता है। एंड दे आर फॉर अननोन टू अदर्स, मतलब लोग उसके बारे में नहीं जानते लेकिन वो खुद के बारे में ये सब चीज़ें जानता है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो आएगा वो आएगा इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फीलिंग टैलेंट एबिलिटीज़ एप्टीट्यूड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। ये आएगा अननोन के अंदर, व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता होता है और जो दूसरे लोग हैं जो रात दिन उनसे बातचीत करते हैं या उसके फ्रेंड्स कलीग्स जो भी है उनको भी नहीं पता होता है। दैट आर अननोन टू द पर्सन हिम या हरसेल्फ, आर अननोन टू अदर्स इन द ग्रुप, ग्रुप को भी नहीं पता होता है, खुद को भी नहीं पता होता है और इंडिविजुअल को भी नहीं पता होता है। उसके बाद अननोन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जौहरी विंडो के, एन एबिलिटी दैट इज अंडर एस्टिमेटेड एंड अनट्राइड थ्रू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इनकरेजमेंट कॉन्फिडेंस एंड ट्रेनिंग। सेकेंड जाएगा ए नेचुरल एबिलिटी और एप्टीट्यूड दैट अ पर्सन डजंट रियलाइज दे पॉजेस। थर्ड जाएगा अ फियर और अ वर्जन दैट अ पर्सन में। फिफ्थ आएगा रिप्रेस्ड और सबकॉन्शियस फीलिंग्स। नेक्स्ट लास्ट जो आएगा वो आएगा कंडीशंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड फ्रॉम चाइल्डहुड। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो आता है ड्रॉबैक्स ऑफ जौहरी विंडो। सम थिंग्स आर परहैप्स बेटर नॉट टू कम्युनिकेटेड लाइक मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम। सेकेंड वन आएगा जो आएगा सम पीपल मे पास ऑन द इंफॉर्मेशन दे रिसीव फर्दर देन वी डिज़ायर। थर्ड आएगी सम पीपल मे रिएक्ट नेगेटिवली, कुछ लोग नेगेटिव रिएक्ट भी करते हैं। यूजिंग जौहरी विंडो इज़ यूजलेस एक्सरसाइज इफ इट इज़ नॉट लिंक टू एक्टिविटीज़ दैट रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर और द करेक्ट नेगेटिव बिहेवियर। जब तक जौहरी विंडो है वो नेगेटिव बिहेवियर को करेक्ट नहीं करता और पॉजिटिव बिहेवियर नहीं लाता या फिर एक्टिविटीज से लिंक्ड नहीं होता है तब तक ये यूजलेस होता है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा सम कल्चर्स हैव अ वेरी ओपन एंड एक्सेप्टिंग अप्रोच टू फीडबैक एंड अदर्स डू नॉट। बहुत कुछ कल्चर्स जो होते हैं वो बहुत ओपन होते हैं और एक्सेप्ट करते हैं सारी अप्रोचेस को, फीडबैक्स को, और जो लेकिन बाकी जो लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आएगा सम पीपल टेक पर्सनल फीडबैक ऑफेंसिवली। थैंक यू।